नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कटोरी चावल के आटे से इतना अच्छा नमकीन की रेसिपी, जो कि आप देखते ही बनाएंगे फ्रेंड्स। एक बार बनाएंगे और साल दो साल के लिए स्टोर करेंगे, फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा ऐसा रेसिपी, और आप भी शायद नहीं देखे होंगे सन ड्राइड करके इस तरीके का रेसिपी को रखते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कटोरी चावल का आटा ली हूँ और इसे डाल देना है मिक्सर जार में। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप बार बार बना के इसे रखना चाहेंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और खाने में इतना चटपटा बनता है कि मत पूछिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही डाल रही हूँ आधा कटोरी से कम यानी एक चौथाई भाग सूजी का। एक कटोरी हमारा आटा है चावल का, उसका एक चौथाई भाग यहाँ पर इसमें सूजी डाल रही हूँ। सूजी डालने से थोड़ा सा यह ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और इसके साथ ही आप फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चावल का आटा जो है नया चावल का है, तो बहुत ही अच्छा वो चिपचिपा होता है। आपके पास यदि बाजार वाला आटा है तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड कर सकते हैं, इतना सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे पास नया चावल का आटा है, तो इससे हमारा नमकीन जो है बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही खास्ता बनेगा। तो चलिए इसे एक बार अच्छे से ग्राइंड करके लेके आती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ। और अब इसे क्या करना है, छन्नी पे डाल के छान लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी गुठली होगा वो भी निकल जाएगा और अच्छे से ये नमकीन बनेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हर रोज़ आपके लिए 2 नई नई रेसिपी की वीडियो लेके आती हूँ। तो एक 11 से 12 के बीच में आता है दिन में, और एक अभी के टाइम में आता है 6 से 7 के बीच में। तो आप हर रोज़ हमारे वीडियो को देख पाएंगे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमारा 1 कप चावल का आटा है। जितना आप चावल का आटा ले रहे हैं कप या कटोरी से, तो किसी भी चीज़ से आपको नाप के लेना है, तभी आप इसमें पानी एकदम सही मात्रा में डाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चढ़ा ली हूँ पैन को चूल्हे पर। अब इसी कटोरी से सेम हमें डालना है इसमें 2 कटोरी पानी। आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ सूजी गया, तो सिर्फ सूजी ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच के करीब ही गया है। तो आप जितना चावल का आटा ले रहे हैं उस अनुसार से आप पानी डालेंगे। तो यहाँ पर 2 कटोरी पानी डाली हूँ 1 कटोरी चावल के आटा में। फ्रेंड्स, अब इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। जितना आपका आटा है उसे देखते हुए नमक सेट कीजिएगा, तो आपका नमक जो है ना ही ज़्यादा होगा ना ही कम होगा, बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब इसमें डालना है पापड़ खार। हमारे पास पापड़ खार है, तो पापड़ खार डालने से ही इस तरीके का रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खास्ता बनता है। आपके पास नहीं है तो आप 1 चुटकी खाने वाला सोडा डाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच तेल। 1 छोटा कटोरी हमारा आटा है, इसके अनुसार से मैं सारी चीज़ को बता रही हूँ। आप ज़्यादा बनाएंगे तो तेल 2 चम्मच कर दीजिएगा, नमक स्वाद के अनुसार कर दीजिएगा, और 1 चुटकी मीठा सोडा के जगह पे आप 2 चुटकी मीठा सोडा डाल दीजिएगा। पापड़ खार डाल रहे हैं तो 1 छोटा चम्मच डाल दीजिएगा, सारे चीज़ को बढ़ा लीजिएगा। अब पानी में तेज उबाल आने तक इसे पकने देना है, पानी कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे पानी में तेज उबाल आने लगा है, तो अभी क्या करूँगी, गैस के फ्लेम को लो कर देना। अभी हाई फ्लेम पे है पानी हमारा, जब अच्छे से पानी पक चुका है तो अभी फ्लेम को लो कर देना है। लो करने के बाद इसमें आटा डालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पानी जो है कच्चा नहीं रहा है। अब चलिए इसमें आटा को डाल देती हूँ। लो फ्लेम करने के बाद ही आपको आटा डालना है। आप देख पा रहे होंगे पानी हमारा उबल नहीं रहा है। अब अच्छे से इसे मिक्स करना है पानी के साथ आटे को, लो फ्लेम पर ही। अभी चूल्हे को बंद नहीं करना है और लगातार आटे को इसमें मिक्स कर देना है, जिससे कि आटा हमारा पक जाए, कच्चा ना रहे। जितना अच्छा से आपका आटा तैयार रहेगा, उतना अच्छा आपका नमकीन बनके तैयार होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही खास्ता बनता है, और चावल के आटा से आप एक बार बना के देखें, आप हर बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दी हूँ चावल के आटे को पानी के साथ। अब इसमें ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा के 5 मिनट तक इसे छोड़ देना है। जब आप मिक्स कर लिए हैं तब चूल्हे को बंद कर सकते हैं और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, 5 मिनट होता है, फिर दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर 5 मिनट हमारा हो चुका है चावल के आटे को रेस्ट करते हुए। अब कोई भी आप इस तरीके का चिकना बर्तन ले लें, उसके पीछे तेल लगा लें। अब इससे इसे मसल मसल के सॉफ्ट करना है। ये बहुत गर्म है तो हाथ से तो होगा नहीं, तो बर्तन में आप तेल लगा लें, ग्लास में या इस तरीके की कटोरी में, और इसे बहुत अच्छे से 5 मिनट तक मसल के सॉफ्ट कीजिए। जितना अच्छा से इसे मसलिएगा थोड़ा टाइम देकर, उतना अच्छा ये बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे 5 मिनट तक मसल के और तैयार कर ली हूँ। अब सारे आटे को एक जगह जोड़ लेना है। हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लीजिएगा, नहीं तो चावल का आटा बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। और देखिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा कड़ा है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो देखिए पानी का मात्रा भी एकदम सही है इसमें। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से आटे को आपको तैयार कर लेना है। अब एकदम चिकना सा जब आप हाथ में लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आटा हमारा गुथा हुआ है एकदम सही से। तो देखिए कुछ इस तरीके का। अब इसे दो भाग में कर लेती हूँ, और एक भाग के आटा को ढक के रखना है, एक का आप जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके का लोई इसका बना लेना है एकदम चिकना सा। तो फ्रेंड्स, पापड़ बनाने के शौकीन है तो ढेर सारा रेसिपी हमारे चैनल पर आपको मिलेगा, आप ज़रूर देखें। आपको जो भी पापड़ की रेसिपी अच्छी लगेगी आप बनाएं और रखें। और इस तरीके का नमकीन का भी बहुत सारा रेसिपी हमारे चैनल पर, आप नए हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा बना के रखिएगा। अब एक पॉलीथीन ले ली हूँ, पॉलीथीन पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है, और एक टुकड़ा और पॉलीथीन उसमें भी तेल लगा देना है। तो जिधर से तेल लगाए उधर की ओर से ऊपर वाले पॉलीथीन को मिक्स कर दें, दोनों में तेल हमारा लग के तैयार हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डाल दी हूँ आटे के लोई को, इसके ऊपर से पॉलीथीन डाल देना है, और पहले इसे इस तरीके से डाल के एकदम चिकना से और हाथ से पहले इसे फैलाना है, जहाँ तक ये फैल सके उतना तक फैला लीजिए। उसके बाद इसे बेल देना है, जितना हमारा रोटी रहता है रोटी से इसे मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है, क्योंकि ये सूखने के बाद और भी बाद में पतला हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बेल के आपको दिखाती हूँ। आस्ते आस्ते से बेल लीजिए। देखिए आटा हमारा इतना अच्छा से मिक्स किया गया है, जो देखिए इसका किनारे भी एकदम चिकना सा है, जैसे चावल का आटा का आप इस तरीके से बेलेंगे तो वो फटना शुरू हो जाता है। तो चावल के आटे को सही से पकाइएगा और सही से मसल के उसे सॉफ्ट कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बेल के आपको दिखाती हूँ कि कितना मोटा इसे रखना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और हमारी बनाई गई रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो कोई भाई बहन हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें तहे दिल से धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कितना मोटा इसे रखी हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। अब हमारा रोटी जो है एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चलिए इसे शेप देती हूँ। शेप देने के लिए इस तरीके का कोई भी ढक्कन ले लें और ढक्कन से इसका शेप देना है, तो कहीं से भी आप थोड़ा सा पहले कट करके एक बार हटा दें। और देखिए फ्रेंड्स, आधा ढक्कन अंदर जाना चाहिए रोटी के ऊपर, जैसे मून शेप हमें बनाना है। आप यदि पहले से काटना जानते हैं तो आपके लिए आसानी है, लेकिन जो कोई पहली बार बना रहे हैं तो ढक्कन को देखिए आधा ही रोटी पे रखना है, बस आधा ही रखना है, और इस तरीके से कटिंग करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से पहले इस तरीके का मठरी बना के हम लोग फ्राई करके खाए हुए हैं, आप लोग भी ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आप इसे स्टोर नहीं किए होंगे। पहली बार ज़रूर आप ये वीडियो देख रहे होंगे इस टाइप का, किस कौन कौन फ्रेंड पहली बार देख रहे हैं इस टाइप का वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से सारे को कट कर लेना है, झटपट से ये कट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा मात्रा में बना के इसे रखना चाहते हैं तो इस तरीके से रोटी बना बना के और भी दे दीजिए घर में सदस्य को, बच्चों को भी दे देंगे तो आराम से ये कट करके आपको दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का हमें मून शेप बना लेना है, हाफ मून शेप। देखिए, देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसी तरीके से सारे को बना के और धूप में डाल देना है सूखने के लिए, और 2 दिनों तक इसे अच्छे से सुखाना है, तभी जाके ये तैयार होगा, नहीं तो अंदर में ये कच्चा ही रह जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना एक रोटी का इतना कट के हमारा तैयार हुआ है, और इसी तरीके से मैं सारे कट करके और फिर डाल दूंगी सूखने के लिए बहुत अच्छे से। जब हमारा सूख जाएगा ये मून शेप का नमकीन, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इसका शेप कितना सुंदर आपको लग रहा होगा देखने में, और ऐसे ही एकदम सफ़ेद ये रहेगा, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो आप भी इसे ज़रूर बना के रखिए, बाजार वाले नमकीन से इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। देखिए इतना आटा भी बचा ही है फ्रेंड्स, मात्र थोड़ा सा आटा का इतना सारा हमारा बना है। तो चलिए सुखा के दिखाती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नमकीन हमारा सूख चुका है। सूखने के बाद ये बहुत कम आपको लगेगा, क्योंकि जितना हमारा आटा रहता है बिल्कुल वैसे ही सूखने के बाद उतना ही मात्रा में हो जाता है। इसका कलर देखिए एकदम सफ़ेद है। आपको लग रहा होगा कि शायद ये बाज़ार वाले तो नहीं है, लेकिन नहीं फ्रेंड, जो अभी बना के दिखाई हूँ बिल्कुल वही है। आप ध्यान से देखें और देखिए इसका कलर कितना सुंदर है, एकदम अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके डब्बे में बंद करके रखिए, ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर तेल हमारा गरम है, जैसे कि हम लोग चावल का चकोरी फ्राई करते हैं उतना तेल को गरम रखिएगा, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसे झटपट से डालिए, देखिए इसका साइज कितना डबल हो गया है और तेल में जाते ही कितना अच्छा से ये फूल गया है। अब निकाल लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, बस अच्छे से फूल जाए इतना ही तक आपको फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर बहुत ही सुंदर है। और थोड़ा सा फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। और इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक ही डाला है। तो आप अपने पसंद से जब फ्राई हो जाएगा तो इसके ऊपर से चाट मसाला, हल्का सा मिर्ची का पाउडर डाल के चटपटा बना के खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना खास्ता बना है, और फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा। तो इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ, जिससे कि खाने में ये और भी टेस्टी लगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। अच्छी लगी होगी रेसिपी तो रेसिपी को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भूल गए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो आपके लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी सी रेसिपी की वीडियो लेके आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले रेसिपी में फिर से। थैंक यू।